एंटी पाकिस्तान, ये एक एलिमेंट बन गया था। इमरान खान एंटी पाकिस्तान एलिमेंट। आपके साथ 17 MNA है, तो ये कहाँ से हैं और इसके अलावा और कितने लोग हैं? आर्टिफिशियल सी पॉपुलैरिटी इमरान खान ने जाती की मुल्क के साथ, तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। गलत बचा देने वाले कौन थे? मुझे नहीं पता कि वो गलत भी देते होंगे, लेकिन उसकी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर वो चल रहा था। सरदार साहब आप अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, ये भी कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें आप लीड करेंगे। आप हमेशा मुझे डोनर ही रखना चाहते हैं, अगर मैंने अपनी बना ली तो क्या अर्जे। मुल्की सियासी मंजरनामा पल भर में तब्दील हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने लाहौर में डेरे लगा रखे हैं। इनसे पूछते हैं क्या बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। सरदार साहब कल आपकी चौरी शुजात साहब से मुलाकात हुई तो, और फिर पार्टी ज्वाइनिंग का ऐलान भी होना था, उस पर आपने इनकार कर दिया, तो क्या होने के वाला है? अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, काफ़ी ज्वाइन नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें पॉलिटिक्स के अंदर सारे ऑप्शन पर काम चल रहा होता है। यहाँ पर आज मैं अभी चूँकि मंसूरा जा रहा हूँ, हम ऑलरेडी अपने टाइम से कुछ लेट हैं, मेरा ख्याल है उसके एंड पे थोड़ा सा कल के हवाले से जो लोगों के एक जो मतलब पाया जाता है इबाम उसको दूर करेंगे। शाह साहब ने आपको दावत नहीं दी कि कॉन्फ्लिक्ट ज्वाइन करें? चौधरी शाह साहब मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं, लेकिन जो दावत देने गए थे उनके मसाइल हैं। उनके मसाइल है, तो ये मिसकम्युनिकेशन किस लेवल पे हुआ? ये आपके साथ वहाँ शेयर करते हैं ना, एक ही दफ़ा प्रेस में रिवील हो जाएगा। ये जो ये साथ बताइए कि आपके साथ 17 MNA है, तो ये कहाँ से हैं और इसके अलावा और कितने लोग हैं पंजाब से, सिंध से, केपी से? देखिए हमारे पूरे मुल्क से MNA या MPAs की तादाद एक बड़ी तादाद है, चूँकि देखें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जब ऊपर से लीडरशिप के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं और मतलब लीडरशिप लोगों को डिसअपॉइंट करती है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इनफेक्ट लीडरशिप ने लोगों को डिसअपॉइंट किया। उसके नतीजे में यह है कि लोग MNAs हों या MPAs हों वो ज़ाहिर है किसी रहनुमाई की तरफ देखते हैं कि हम कैसे आगे चल सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं और क्या किया जा सकता है। तो सरदार साहब आप अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, ये भी कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें आप लीड करेंगे? सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अपनी भी पार्टी आ सकती है। ये बताएं अगर दूसरी की पार्टी दूसरे पार्टियाँ चलाते हैं तो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकते? ये बताएं कि आप सरदार तनवीर को आप हमेशा कहते हैं कि दूसरों को पैसे देते हो, तो अगर उनको देते हो तो अपनी पार्टी को आप इतने दिल पर दाश्ता हो गए कि सारे पैसे अपने ऊपर लगाएंगे? अपनी नहीं, अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। देखिए ना पार्टियों पे पैसे लगते हैं, पार्टियों के प्रोग्राम होते हैं, खर्चे होते हैं, तो आप हमेशा मुझे डोनर ही रखना चाहते हैं, अगर मैंने अपनी बना ली तो क्या अर्जी। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले आपने ये 9 मई के वाक़े से पहले आपने इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, बहुत पहले छोड़ा, ये अंदाजा हो गया था कि साहब ये कहें कि मैं पहले हूँ छोड़ने वाला? छोड़ने सबसे पहले अगर किसी ने उसको खुल के बात की, एक बात जो आपको जैसे साफियों को देखनी चाहिए कि जब बाकी आगे रिजाइन करते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि शायद पीछे से किसी ने गाटा पकड़ा हुआ है। जो चीज़ आपको अखलाकियात का स्टैंडर्ड है, जो आपको अंदर से अच्छी लगे और अंदर से बुरी लगे, वक्त का जबर हुआ करता है, हम नहीं कहते कि कभी नहीं हुआ होगा, वो और चीज़ होती है, लेकिन जब आप अंदर से किसी को बुरा समझते हैं वो सिर्फ सरदार तनवीर है। जब आपने छोड़ा उसमें तो बहुत पॉपुलैरिटी थी, आप देख रहे थे कि हालात पॉपुलैरिटी वो मशहूरी थी, आर्टिफिशियल थी पॉपुलैरिटी। इमरान खान ने ज्यादती की मुल्क के साथ, मुल्की इदारों के साथ उसने ज्यादती की, उसमें ये नहीं करनी चाहिए थी। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसने बहुत ज्यादती किया। लेकिन मुझे ये बताया कि कैप्टन जो शेरगोल और इस तरह के जो आपके हीरोज हैं जो आपके कौम के दिलों में बसते हैं, आपका बच्चा इसलिए बड़ा होता है कि मैं ये बनूंगा कैप्टन कर्नल शेरगोल बनूँ तो मुझे शेर खान बने, आप वहाँ पे क्या करें? कल हम जो बाबा काम की तस्वीरें देख रहे थे, देखें हर जगह पे एक स्टैंडर्ड होता है और लिमिट होती है, मैं ये समझता हूँ कि वो स्टैंडर्ड और लिमिट इमरान खान ने अपने इक्तदार के लिए पार की, वो नहीं होनी चाहिए। तो आपने समझाया नहीं था उन्हें, मशवरा देने वाले एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने का मशवरा देने वाले एंटी एस्टैब्लिशमेंट की वो बनाता वो, लेकिन उसका कोई उसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, उसकी नरेशन देता, यहाँ पे ना उसका कोई बयानिया था, वो सिर्फ उसका इक्तदार था। तो आप उन्हें मशवरा दे रहे थे तो आपकी बात नहीं सुनते थे जिस टाइम उनके साथ थे? मैं ये समझता हूँ कि देखें मेरे जैसे कई वहाँ मशवरे देते होंगे, इमरान खान के पास बड़ी दुनिया थी, बड़े अकल वाले लोग थे। गलत मशवरा देने वाले कौन थे? मुझे नहीं पता कि वो गलत भी देते होंगे, लेकिन उसकी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर वो चल रहा था। तो अब सरदार तनवीर इलियास को हम पाकिस्तान की नेशनल सियासत में देखेंगे? मेरा ख्याल है आप देख तो वैसे वैसे ही रहिए, मुझे रीजनल तो कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें यहाँ बहुत सारे लोग आके कुछ ना कुछ, हर आदमी को किसी का नसीब न खाता है न ले जाता है। जंगीर तरीन से भी कोई पैगाम आया है, वहाँ भी बातचीत चल रही है? देखिए जंगीर तरीन साहब हमारे पुराने कोलीग हैं, मैं ये सब कहता रहता हूँ कि सियासत दुनिया में इस चीज़ का नाम है कि उसमें सारी दुनिया मसाइल का हल सियासत के अंदर ढूंढती है। अगर जंगीर तरीन साहब या मैं या कोई और हमारे कल आप उनकी बात कर रहे हैं, हमारे जो बरदर बुजुर्ग चौधरी शजात साहब हैं, अगर कोई एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मिल बैठ सकते हैं, तो मेरा ख्याल होना चाहिए। एक आखिरी चीज़ बता दें कि माइनस इमरान प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? माइनस इमरान देखिए आपने इमरान को उस लेवल पर ले आए कि शायद इमरान खान ने ये मुल्क बनाया था, माइनस इमरान की बात नहीं है। आप ये देखें कि एंटी पाकिस्तान ये एक एलिमेंट बन गया था,
एंटी पाकिस्तान एलिमेंट थे, बन गया था। मैं ये समझता हूँ कि उसको इख्तदार से हटाएं तो वो इस मुल्क की जड़ों पे वार कर रहा था, वो नहीं होना चाहिए था। जनाब तनवीर इलियास साहब, और उन्होंने बड़ा खुल के अपने मौकफ़ का इजहार किया है। अभी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, सिराजुल हक साहब से, जरदारी साहब से मुलाकात है, जहांगीर तरीन से मुलाकात है। आने वाले दिनों में हालात किस तरह तब्दील होते हैं ये भी आपको दिखाते रहेंगे।